अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बहुत ही झटपट क्रीमी आलू मेथी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं और उसके बाद 1 मीडियम साइज़ की ओनियन को कट करके इसमें ऐड किए हैं। ओनियन हमारी थोड़ा सा हम भून लेंगे पहले। ओनियन अच्छे से भून जाने के बाद हम 2 मीडियम साइज़ के आलू को छील कर कट करके पीसेस किए हैं और इस प्याज के साथ मिक्स किए हैं और दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम उसको ढककर मीडियम गैस पर रख देंगे ताकि थोड़ा सा हमारे आलू गल जाएं। अब आलू हमारे गल गए हैं थोड़ा सा, फिर उसमें हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम एक बंच मेथी को पत्तों को लिए हैं, इनको अच्छे से साफ करके धोकर लिए हैं और इसको हम इस आलू और प्याज के साथ ऐड कर देंगे और थोड़ा भून लेंगे 2-3 मिनट तक। इसके बाद ये भाजी से थोड़ा पानी निकलने लगता है, लेकिन ये ना चिपके इसके लिए भाजी हम इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करके इसको हम 5 मिनट तक पका लेंगे ऊपर से ढक्कन ढककर, और उसमें थोड़ा सा हम अभी नमक भी ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी ये भाजी बहुत जल्द तैयार हो जाती है। बच्चों को पसंद नहीं आती, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून घर का ही क्रीम लिए हैं और उस क्रीम को हम अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर देते हैं। इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है और उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। जो लोग ये सब्ज़ी खाना पसंद भी नहीं करते, अगर आप इस तरह से एक बार बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आ जाएगी और थोड़ी डिफरेंट भी सब्ज़ी ये बन जाती है। आज हम जब बनाए थे तो हमारे घर में भी सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे। अब हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Thank you.